इस तरीके से देखो। दोस्तों मैं नई वीडियो से आप सभी का स्वागत है। सकता है अभी मैं तिरुपति पे मौजूद हूँ, तिरुपति रेलवे स्टेशन, और यहाँ से कैसे आप लेंगे बस वो हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए ये रेलवे स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलिएगा तो तिरुमाला जो है आपको जाना है, मंदिर जाना है, तिरुपति बालाजी का दर्शन करना है, तो यहाँ से आप बाहर निकलेंगे। चूंकि जितने भी ट्रेनें आती है यहीं आके रुकती है। अभी जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो अभी पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ से आप बाहर निकलिएगा और बाहर निकलने के बाद ही देखिए ये सामने जो है यहीं पे मोड़ के पास आपको बसें मिलेंगी। बसें कहाँ मिलेंगी वो हम अभी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको दो तरीके का बस मिलता है, एक तो पहला कि आपको नॉन एसी मिल जाता है और दूसरा जो है एसी बस मिलता है। नॉन एसी वाले में क्या है, 90 रुपये में आपको पहुँचा देगी, और एसी वाला करते हैं तो 110 रुपये लगेगा, ठीक है। तो आपको रेलवे स्टेशन से बाहर आना है, पूरा जर्नी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से लेकर मंदिर कैसे पहुँचिएगा वो पूरा जर्नी दिखाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तिरुपति बालाजी का और भी वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं बस कैसे लेंगे। जैसे बाहर निकलिएगा ना ये वाले लोकेशन में, चूँकि लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा लोग आते हैं, ये जो सामने आपको बूथ नज़र आ रहा है APSRTC बुकिंग काउंटर, वो दिख रहा होगा एक बड़ा सा काउंटर, उस काउंटर में आपको टिकट कटाना है। उस काउंटर में टिकट का रेट लिखा हुआ है 90 और 110। यहाँ पे जैसे ही बाहर निकलिएगा यहाँ से आपको टिकट कटाना है, और टिकट कटाने के बाद यहाँ जैसे ही आप टिकट कटाते हैं, टिकट कटाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे बस मिलेंगे जो कि लगातार है, यहाँ से लेकर लाइन लगा हुआ है पूरी बसों का। तो इस वाले बस में आप जा सकते हैं, एक बार एसी वाला आता है, एक बार नॉन एसी वाला, दोनों बसें यहाँ आके रुकती है, और दोनों ये रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने मिलेगा। ये तिरुपति रेलवे स्टेशन और यहीं पे आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको बस काउंटर से बस टिकट लेना है, वो काउंटर है एक, ये दो काउंटर है, दोनों खुला रहता है, अभी ये बंद है, वो वाला खुला है, तो उसमें आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ से ये वाली बस में बैठना, देख लीजिए ये वाली, अगर एसी वाला कटाते हैं तो इसमें बैठना, नॉन एसी वाला इसके पीछे है। तो बस बहुत सारी लगी हुई है, देख सकते हैं आप, पीछे भी हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए कितने सारे बस लगी हुई है। ये सारा बस जो है वहीं पे जाती है तिरुपति के लिए। तो यहाँ से आपको बसें लेना है और ये बस में बैठ के और फिर आप जा सकते हैं। तो अभी हम बस पे बैठते हैं और फिर हम आपको पूरा जर्नी दिखाते हैं नॉन एसी का, पूरी तरीके से यहाँ से लेकर मंदिर तक आप कैसे पहुँचेंगे। ये देख सकते हैं जब आप बस से जाएंगे कुछ इस तरीके से नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल पहाड़ियों से होते हुए जाती है बसें। तो जब आप तिरुपति से चढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए आपको रोड मिलेगा जब आप आएंगे। और देखिए यहाँ पे आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा भवन चक्र, पहाड़ी के ऊपर में बिल्कुल है मौजूद, और ये बसों की संख्या देखो आप कितनी बस रहती है, मिनट मिनट में आपको बस मिल जाएगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, मिनट मिनट में आपको बस मिल जाएगी। और नॉन एसी बस में आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा बैठने के लिए, जो कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। और साथ साथ में देखिए बस, अगर आपका बस नहीं भरा हो फिर भी बस चल देती, तो मिनट मिनट में बस चलती, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। ये देखो आप, बहुत ही डेंजर रोड है जब जो कि पहाड़ी में मौजूद है तिरुपति, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजर पड़ जाता है रोड जो है वो, और इसी के लिए जो है पहाड़ियों में जाना पड़ता है बस को, इसीलिए यहाँ पे ट्रेन की सुविधा भी नहीं दी गई है। आप तिरुमला जो है तिरुपति से तिरुमला आएंगे तो बहुत ही पहाड़ी मिलेगा, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। रोड देखिए कितना भयानक है, और ये अंदर जाएंगे ना तो मतलब रिक्सी है रोड, ऐसा रोड है कि आपको ना बिल्कुल संभल के आना पड़ेगा जब कभी भी आप चलाना आते, जैसे मनाली शिमला में होता है रोड वैसे आपको मिलेगा। ये देखो आप, ऊपर में पहाड़ है और पहाड़ों को काट के ये बनाया गया है बेसिकली पूरी तरीके से इस रूट को, तब जाके तिरुपति बालाजी के पास मिलता है। आप देखिए यहाँ जा रहा है, अब यहाँ पर नीचे गाड़ी जा रही है, तो अब यहाँ से मुड़ेगी
सिटी नज़र आएगा। नीचे अगर आप देखें ना, पूरा बिल्डिंग पूरा सिटी नज़र आएगा। पूरी तरीके से पहाड़ों को काट के बनाया गया है। ये जो लोकेशन आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये पूरा तरीके से पहाड़ है, पहाड़ों को काट के ये पूरा रोड पर तैयार किया गया। काफ़ी रिक्सी हो जाता है इसमें चलाना, और इसीलिए टाइमिंग लग जाता है। जब आप आएँगे यार जो तिरुपति से तिरुमूलम, तो लगभग आपको एक डेढ़ घंटा लग जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे गाड़ियाँ क्रॉस होती है ताकि दिक्कत ना हो। पहाड़ियों में चढ़ना पड़ता है, तो इसकी वजह से जो है गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी धीमा धीमा चलती है, जैसे अभी आप देख सकते हैं। और हर एक एक बीच बीच में मोड़ है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये सामने पर आपको मिल जाएगा शहर, दिख जाएगा। नहीं मिलता तो कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ये पूरा बस स्टैंड कहलाता है। उधर अगर दूर दूर तक देखें तो और भी दूर आप जा सकते हैं, और इधर अगर आप देखें तो इधर भी आपको बहुत सारी बसें मिल जाएंगी। तो लगातार बसें चलती है, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी आइएगा, मिनट मिनट में आपको यहाँ पे बसें मिल जाएंगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कुल मिलाकर देखिए तो ये बस स्टैंड कहलाता है तिरुमूला का। और यहाँ से मंदिर जो है बिल्कुल बगल में, पास में है। यहाँ से निकलिएगा सामने से और मंदिर चले जाइएगा, तो 500 मीटर के रेंज में यहाँ से मंदिर पड़ेगा। कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है और बिल्कुल पास में है, और साथ साथ में ये पूरा बस स्टैंड कहलाता है। तो इसी तरीके से आप और भी, हम बस स्टैंड का दिखाने का आपको दिखाते हैं और भी चीज़ें जो यहाँ है। कई लोकेशन में आपको पैदल चलना है दोस्तों, देख सकते हैं। यहाँ से जब आप आएंगे ना तिरुमूला बस स्टैंड, तो देखिए ये वाले लोकेशन में पैदल जाएंगे तो आगे की ओर आपको मंदिर मिल जाएगा। तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, यहाँ से पैदल में आप जाएँ, और बिल्कुल पास में है। ये जितने भी लोग जा रहे हैं ये मंदिर ही जा रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आपको भी यहाँ से मंदिर जाना है, किसी को भी पूछेगा बता देगा। और इसी के बगल में आपको ऑफिस मिल जाएगा TDD इसका, आपका तिरुपति का, जहाँ पे आप एकोमोडेशन के लिए या फिर जो आपका दर्शन टिकट होता है उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये पूरा जो है बस स्टैंड कहलाता है, यहाँ से वहाँ तक ये पूरा इलाका बस स्टैंड कहलाता है। आगे भी जाएंगे तो बहुत सारे शॉपिंग का दुकान मिल जाएंगे, खाने पीने का साधन, ये सारी चीज़ें आपको बस स्टैंड में मिल जाएगा। बस स्टैंड में उतरने के बाद आपको इसी रूट में आगे बढ़ना, आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे अंडरग्राउंड कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद ऊपर ही आपको दर्शन के लिए, मंदिर जाने के लिए, प्रांगण जाने के लिए ये रास्ता मिलेगा, जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। इसे आने के बाद ना यहाँ पे आपको, अगर आप पहली बार आ रहे हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन आप पहले से करा के नहीं आए हैं, टिकट नहीं लिए हैं, तो फिर आप यहाँ पे टिकट ले सकते हैं, जो कि देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और फिर आपका जब टाइमिंग आएगा तब आपको एंट्री मिलेगी। तो यहाँ कहते हैं कि एक दो दिन लग जाता है टाइमिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है, और भीड़ के कारण जो है आपको वेट करना पड़ेगा। तो पहले से टिकट लेके आए तो सबसे अच्छा रहेगा। ये सामने के लोकेशन में होता है, फिलहाल अभी अंदर चलते और आपको दिखाते हैं। जय तिरुपति। आप देख सकते हैं अभी मैं तिरुपति बालाजी में मौजूद हूँ, जो कि इंडिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर टेंपल में से एक आता है। आपको बता दें तिरुपति, जो कि आप जब कभी भी आते हैं तिरुपति जिला में मौजूद है, जो कि ये तिरुमूला में मौजूद है, जहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर, ये भव्य मंदिर हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जहाँ पे कहते हैं भगवान विष्णु के रूप में भगवान वेंकटेश्वर जो है वो विराजमान है, और उन्हीं के पूजा करने के लिए लाखों हजारों की संख्या में दूर दराज से लोग आते हैं। साथ साथ में 12 घंटे 24 घंटे लाइन लग करके भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करते हैं। कैसे आएंगे, क्या क्या चीज़ें, नया रूल्स क्या है, और कैसे आप कूपन प्राप्त करेंगे, और कौन सी ट्रेनें से आएंगे, बस से कैसे आएंगे, तिरुपति रेलवे स्टेशन से कैसे आप आ सकते हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं विहंगम दृश्य, जहाँ पे आने के बाद एक अलग ही सुकून प्राप्त होता है, और कहते हैं कि जो भी यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु, उनकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, सबसे अच्छी बात। और जब पूर्ण होती है तब वो कोई बाल छिलवाते हैं, कोई नारियल फोड़ते हैं, तो कोई पूजा पाठ करते हैं, तो कोई लीन रहते हैं। ये पूरा जो माहौल है, ये पूरा जो मंडपम है आपका जो है मंदिर के सामने, यहाँ हजारों की संख्या में हमेशा भीड़ रहती है, और जो लाइन लगती है, ऐसा कहा जाता है कि 10
जो है 10 घंटे 20 घंटे लग जाते हैं, तब जाके भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन होता है। भगवान विष्णु के रूप में इस मंदिर को माना गया है, जहाँ पे ड्रेस के साथ साथ में अलग अलग चीजें, बहुत सारी गाथाएं हैं, उन सभी गाथाओं को इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप तिरुपति बालाजी आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में। सो जाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसा सुकून सा नींद आएगा ना, जो बिल्कुल आप कभी नहीं सोचोगे। हम इतने शोरगुल, मतलब इतने भीड़ में देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। जो मंडप पूरा, ये प्रांगण है, ये पूरी तरीके से भरपूर है लोगों की जनसंख्या से, लेकिन फिर भी जब हम यहाँ पे सोए, 2-3 घंटा सो गए। ये नीचे देख सकते हैं शेड बना हुआ है, बहुत सारे बड़े बड़े शेड बने हुए हैं। इन शेडों में जब हम सोए तो बिल्कुल नींद आ चुका, ऐसा नींद आया कि जैसे लग रहा था कि भगवान स्वयं प्रकट होके बच्चे को सुला रहे हैं, अपने बच्चे को कह रहे हैं सो जाओ बाबू सो जाओ। इस तरीके से इतने शोरगुल में आपको, अगर घर की साइड में अगर आप सोते हैं तो बिल्कुल आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन इस जगह पे ऐसा सत्य है कि यहाँ जब आप आएंगे तो पूरी तरीके से सब कुछ भूल जाएंगे, जो आपकी मन में जो चल रहा है, जो गलत चीज़ें नकारात्मक चीज़ चल रही है, वो सारी चीज़ों को आप भूल जाएंगे, और सकारात्मक ऊर्जा आपको यहाँ पे मिलेगी, और बिल्कुल पीसफुल एरिया लगेगा। इतने भीड़ में, इतने लोगों की जनसंख्या में भी आपको महसूस होगा कि नहीं, भगवान हमारे साथ हैं, और उस चीज़ को आप महसूस करेंगे जब आप इस जगह पे आएंगे। और इसीलिए खास करके यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है 12-12-24 घंटा वेट कर करके आते हैं। इस चीज़ों को जब आप यहाँ पे आएंगे तब महसूस होगा, वाकई में बहुत ही सत्य है। और हम तो यही कहते हैं कि तिरुपति बालाजी का प्लान अगर आपको होता है कभी भी, जब इस साइड आप साउथ इंडिया आ रहे हैं या फिर कहीं पे भी आ रहे हैं, और कभी भी आपको आना हो तो ज़रूर एक बार आइएगा, चूँकि ऐसा माहौल, ऐसा अनुभव और जगह पर आपको नहीं मिलेगा जैसा यहाँ पर है, जैसा यहाँ पर सत्य है, और जैसा यहाँ सत्य माना गया। और असलियत में जो चीज़ें आप मनोकामना लेके आएंगे वो वाकई में आपको यहाँ पर पूर्ण भी होगा। तो ये मेन मंदिर होता है, और यहाँ पे आप घूमिए फिरिए, पूरा टाइमिंग रहिए, आप फोटो खिंचवाइए, वहाँ जाके आरती कीजिए, नारियल फोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाने पीने की भी सुविधा फ्री में है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में मिलता है, सब कुछ फ्री है, सब कुछ, पूरी दुनिया फ्री है भगवान के सामने। रात्रि में सबसे अद्भुत नज़ारा होता है, और इसी नज़ारे को देखने के लिए अक्सर लोग आते हैं। यही देखिए, ये मंदिर का जो है, आपको पीछे की ओर देखें तो ये मंदिर है जहाँ पे इस तरीके से आपको मिलेंगे। और लोगों की जनसंख्या देखिए, क्योंकि रात्रि को भी यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ होती है, दूर दराज से आते हैं और इसी को देखने के लिए, इस मंदिर को खास करके, चूँकि यही वो मंदिर है जहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं भगवान वेंकटेश्वर का, भगवान विष्णु का रूप में जिसे माना गया है, जहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं अलग अलग जगह से। देखिए कैसे बैठे हुए, सुबह से लेकर शाम तक ये पूरा एरिया भरा हुआ पड़ा मिलेगा, चूँकि लोग जो है दूर दराज से आते हैं, उस साइड से लेकर इस साइड तक ये पूरा जो एरिया आपको फुल मिलेगा, ऐसे ही जैसे अभी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे लगेज रखने के लिए ये सारी सुविधाएं दी गई है, लगेज सेंटर दिया गया है, साथ साथ में अगर आप बैग वगैरह लाते हैं वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे जो है एक बनाया गया, जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम वगैरह होता है, वो सामने के लोकेशन में आरती होती भगवान वेंकटेश्वर का, जब आप आएंगे तो दर्शन कर सकते हैं, आरती में भाग ले सकते हैं। और ये कुल मिलाकर देखें तो कुछ इस तरीके से माहौल है रात्रि का, तो अद्भुत नज़ारा देखने के लिए आपको मिलेगा। ये सामने जो है, कहते हैं कि जब कभी भी आप तिरुपति बालाजी आएँ, जब कभी भी आप आते हैं तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद ही सामने के लोकेशन में सबसे पहले वहाँ पे नारियल फोड़ के अगरबत्ती जलाएं, और तत्पश्चात आप दर्शन के लिए जाएं। तो उसी की वजह से जो है ये जो सामने लोकेशन आपको दिख रहा है, यहाँ से सीढ़ी से चढ़ेंगे तो, और ये पूरा मंदिर प्रांगण कहलाता है, जो कि इस तरीके से है। अभी वहाँ पर भी जाके आपको दिखाएंगे, यहाँ पे सार्वजनिक देखिए, यहाँ पे भक्ति जागरण चलती रहता है बहुत अच्छा, और वहाँ पे आपको मंदिर मिल जाएगा। फिलहाल हम अभी आपको नजदीक से दिखाने का और भी दिखाते हैं। तो ये था पूरा तिरुपति बालाजी का, जब कभी भी आप आते हैं तो कैसे आएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी जानकारी आपको दिए। और साथ में देख सकते हैं ये पीछे का विहंगम दृश्य, जो कि रात को जब कभी भी आप आते हैं तो ये विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं, जहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में भक्तजनों की, श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। अक्सर यहाँ पे आपको दिखा, दिन से ज़्यादा रात को भीड़ होती है, चूँकि रात को जो दृश्य होता है वो पूरी
तरीके से दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये तिरुपति बालाजी का भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन आप कर सकते हैं, और इसीलिए अक्सर लोग रात को भी यहाँ पे टूर करने के लिए आते हैं। ज्यादातर भीड़ वीकली डेज में होता है जो कि सैटरडे संडे को आपको मिलेगा, बाकी दिनों में कम भीड़ रहते हैं, लेकिन सैटरडे और संडे को सबसे ज्यादा भीड़ रहता है, तो उसकी वजह से आपको पहले से टिकट वगैरह करा के आना पड़ेगा, तब जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी सकते हैं और यहाँ पे आने के लिए आपको सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो तिरुपति रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आपको उतरना है। वहाँ से आपको 90 रुपये में नॉन एसी बस मिलेगी और 110 रुपये में एसी बस, उससे आप आधा से एक घंटा आपको लगेगा यहाँ पे उतारा जाएगा। और देन वहाँ से बस स्टैंड का जो त्रिमूला बस स्टैंड है वहाँ से पैदल आएंगे तिरुपति मंदिर, किसी को भी पूछेगा वो बता देगा। और जस्ट अगर आप पहले से आ रहे हैं, मतलब प्री प्लानिंग करके आ रहे हैं, तो 300 रुपये का टिकट कटा के आए, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबा रहती है, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत होगा दर्शन करने में, तो 300 रुपये का टिकट कटा हुआ रहेगा, तो एक घंटे के अंतराल में आप दर्शन कर पाएंगे। और अगर आप जनरल लाइन में जाते हैं तो वहाँ आपको 10 से 15 घंटे 20 घंटे भी लग जाएंगे, तो उसकी वजह से दिक्कत है। और दूसरी चीज़, अगर आपको लाइन से डर लग रहा हो और बाई चांस आप आ भी गए, तो आप मंदिर प्रांगण में बिना टिकट के भी घूम सकते हैं, हालांकि अंदर दर्शन नहीं कर सकते हैं लेकिन मंदिर प्रांगण में घूम सकते हैं। ये चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा, सबसे पहले मंडपम लिखा होगा वहाँ से नीचे आना है, और नीचे आके फिर आप उस जगह पे आ सकते हैं और घूम सकते हैं और फिर जा सकते हैं। और दर्शन करना है तो उसके लिए आपको टिकट अनिवार्य होता है। बाकी यहाँ पे पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से मौजूदगी दी गई है, हर एक चीज़ बड़ा ही सावधानीपूर्वक बनाया गया है, और जगह जगह पे जो है आपको संस्था के टीम मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे पूरी तरीके से। और लोगों की जनसंख्या जो लंबी कतार है, अगर आप रात को आ रहे हैं, होटल वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, तो मंदिर में भी सो सकते हैं और यहाँ पे आप रुक सकते हैं। बाकी बात और भी जो जानकारी है वो आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।